गुड मॉर्निंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित तिमान, आप देख रहे हैं रोहित तिमान सी चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसी को लेके। वैकेंसी किस चीज़ की? इंस्ट्रक्टर वैकेंसी, जो आपका ट्रेड थ्योरी के लिए, WCS के लिए और ड्राइंग के लिए वैकेंसी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नोडल अधिकारी प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, जिला विज्ञान एवं NIC अधिकारी जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़। विषय क्या है, मेहमान प्रवक्ता भर्ती हेतु आवेदन अपलोड करने बारे, मतलब मेहमान मतलब गेस्ट के रूप में भर्ती लेने के बारे लिखा गया है। उपरोक्त विषयांक लेखक की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर जिले के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सारोगो शक्ति डबरा अकलतरा हसोद जांजगीर पामकड़ व जेजपुर हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध विभिन्न विषयों में मेहमान प्रवक्ता भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30/9/2021 निर्धारित की गई है। और कृपया संलग्न प्रेस विज्ञापित को जिला जांजगीर चांपा की वेबसाइट https://jaanjgircchampa.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें। और ये कब की बात है, 15 सितंबर को ये आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है, कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सारागांव में। सारागांव में वेल्डर की पोस्ट है, रिक्त पद एक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक पोस्ट है, फिटर की एक पोस्ट है। आगे है शक्ति, शक्ति में कोपा की एक पोस्ट है, डबरा फिटर की एक पोस्ट है, अगलतरा वेल्डर की दो पोस्ट है, कोपा की एक पोस्ट है, फिटर की एक पोस्ट है। आगे हसोद कोपा की एक पोस्ट है, विद्युत कार की एक पोस्ट है, फिटर की एक पोस्ट है। जांजगीर कोपा की दो पोस्ट है, पांपगढ़ विद्युत कार की दो पोस्ट हैं, कोपा की एक है, फिटर की एक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक पोस्ट है। जेजपुर टेक्नीशियन हेल्थ केयर एक पोस्ट है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक पोस्ट है। टोटल 21 पोस्ट हैं। ठीक है, आगे व्यवसाय का नाम दिया गया है और उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। विद्युत कार इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि आपका या तो 10th पास होना चाहिए या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा पास होनी चाहिए। अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय परीक्षण प्रमाण पत्र, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि पोस्ट उत्तीर्ण। मतलब कि या तो आपका NCVT या SCVT से जो भी संबंधित ट्रेड है उससे पास होना चाहिए, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास। नंबर दो फिटर है, फिटर में भी मान्यता बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए या पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके अंदर भी वही बोला गया है कि जो आपकी ट्रेड है वो या तो NCVT हो या नेशनल लेवल हो या फिर उसके अंदर आपका क्या हो, मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि या उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, मान्यता बोर्ड से हाई स्कूल, पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा 12वीं। तो ये सब इन्होंने दिए हुए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, IoT टेक्नीशियन के लिए, तो ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे वेल्डर के लिए है। आगे इन्होंने गया है अंकों का निर्धारित चयन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। प्रचलित सेवा भर्ती नियत जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक है, उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जारी
अभ्यर्थियों के लिए तकनीकी योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने का चयन किया जाएगा। मतलब जहाँ पर भी CTI या ATI की जरूरत है वहाँ पे 1 वर्षीय पास होना चाहिए और उसके बेस पे मेरिट सूची तैयार की जाएगी। CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्त के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब कि अगर आपके पास CTI ATI नहीं है तो उनके डिप्लोमा डिग्री के बेस पे मेरिट तैयार की जाएगी। नंबर 2, प्रचलित सेवा भर्ती नियम में तकनीकी योग्यता के प्राप्तों में मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी, अनुभव आवश्यक नहीं है। मतलब यहाँ पे साफ बोला कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन मेरिट के आधार पर ही यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाएगी। नियम व शर्तें क्या है? आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है। आवेदन की न्यूनतम आयु दिनांक 15/9/2021 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची की स्वतापीय छायाप्रतियां सहित आवेदन निर्धारित रूप में दिनांक 30/7/2021 को अपराह्न, मतलब शाम को 5 अथवा इसके पूर्व पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट एवं स्वयं उपस्थित होकर संस्था में जमा करा सकता है। मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको 30/7/2021 को इवनिंग 5 PM तक या तो स्पीड पोस्ट के या डाक पोस्ट या खुद सेल्फ भी आप वहाँ पे जमा करा सकते हो। ठीक है, तो ये सब इन्होंने दिया हुआ है, तो जिनको भी इसके अंदर फिल करना है वो कर सकता है। और इन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये इनकी ईमेल आईडी है ITIJANJGIR@gmail.com। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो अगर कोई आपको बात करनी है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए साथ। तब तक के लिए थैंक यू।